नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने शनिवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को कृष्णपंखी उपहार में दिया। मणिपुर में हो सकती है आज भाजपा विधायक दल की बैठक। निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू पहुंचेंगे इम्फाल। पंजाब में शानदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी का रुख छत्तीसगढ़ की तरफ। आदिवासी बहुल राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला। रूस ने पहली बार घातक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना कि दक्षिणी यूक्रेन में हथियारों के गोदाम को तबाह करने के लिए किया गया प्रयोग। सीबीएसई ने 12वीं के टर्म 1 का बिना किसी सूचना के परिणाम घोषित किया। कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं। भारत में भी चौथी लहर को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा के बीच हुए समझौते में चीन से वापस जापान लौट रही कंपनियों के लिए भारत में जमीन तैयार। शनिवार को जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर पहुंचे अमित शाह। उधर दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने किए 3 हमले। यूक्रेन का दावा, रूसी हमले में कीव के 228 लोगों की मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता के जिंदा रहते हुए बेटे का नहीं होगा संपत्ति पर हक। पंजाब में जीत के बाद भगवंत मान के 10 मंत्रियों ने चंडीगढ़ के राजभवन में शपथ ली। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन ने किया फाइनल में प्रवेश। सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन मलेशिया के ली जी जिया को हराया। भारती सिंह ने किया बेबी बम्प को प्लान, कराया जबरदस्त फोटोशूट। फरीदाबाद में 35वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। हरियाणा के पलवल जिले से आई दुखद खबर। गांव भिड़ोकी में मंदिर के कुंड में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत। गांव में मातम पसरा।